ये टॉपिक था जीवीश, आपने वन डायमेंशनल बॉक्स में मैंने आपको करा दिया था और थ्री डायमेंशनल बॉक्स का कल मैंने पढ़ाया था, तो उसका कुछ थोड़ा सा लास्ट में रह गया है वो मुझे कराना है अभी। बट सीरियसली आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, बट कोई नहीं, अगर आपको वन डायमेंशनल समझ में आ गया है ना तो थ्री डायमेंशनल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो 1D अगर आपको आता है, 3D आप इजीली कर सकते हो। ओके तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं आज? किसी को आना नहीं है क्या? कॉल करो सबको, हर्षित को, ऋतिक को। सबको पता है 11 बजे है क्लास, फिर भी पता नहीं क्यों लेट आने का शौक है। यस, मैं जयपुर हूँ। अभी मैं ऑनली लिख रही हूँ, और लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी नहीं जीविश, आई थिंक अभी 1-2 साल बाद। नहीं, आप लोगों के जिस टाइम पे हमेशा होते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, उसी टाइम पर ही आपके एग्जाम्स होंगे। आगे पीछे का कोई चांस नहीं है। आज बच्चों को आना नहीं है, हर्षित आया भी था और चला गया। जिवेश एक बार मैसेज करके बोलो, और मैं और बोलती हूँ प्रदीप सर को।
आज कोई इशू है क्या भरतपुर में नेट का? सर नमस्ते सर, भरतपुर में कोई इशू है नेट का? अच्छा, आप कॉलेज नहीं गए? ओके ओके सर, कोई नहीं। अच्छा, ओके ओके सर, कोई प्रॉब्लम। हाँ नहीं, बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे थे ना, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नो सर, चलिए जो आ गए हैं उन्हीं को ज्वाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल देखिए मैंने आपको थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स बताया था, और उसमें ये बताया था थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में कि आपका फंक्शन थ्री फॉर्म्स में आएगा, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि एक्स इक्वल्स टू जो होगा वो आपका ये आया था, वाई इक्वल्स टू क्या आया था, सी साइन एन टू पाई वाई अपॉन ए, एंड जेड इक्वल्स टू कितना आया था, एक अलग कॉन्स्टेंट ई साइन एन थ्री पाई जेड अपॉन ए, ये आया था। तो एक्स वाई जेड आपके आ गए हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ये इंटीग्रेशन करने को दिया था। तो देखिए यहाँ पे हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी है जिससे कि ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। वैसे तो मैंने इसी तरीका बता ही दिया था कि जितने बॉक्स की डायमेंशन है उसको रूट टू अपॉन करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि ये जीरो से ए था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस जीरो ए, तो ये आ जाता है आपका। लेकिन फिर भी एज अ डेरिवेशन आपको आना चाहिए, तो साई स्क्वायर डीवी, साई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर वन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी इतनी, इसका होल स्क्वायर किया, डीएक्स डीएक्स इक्वल टू वन। ठीक है, फिर देखिए इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, एंड उसके आगे आया आपका साइन स्क्वायर एंड वन पाई एक्स अपॉन ए इक्वल टू वन। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज, जीरो से ए, साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये आ गया, यहाँ एन था इसलिए यहाँ टू एन हो जाएगा। ओके, इक्वल टू वन। फिर टू को मैंने बाहर लिख लिया, वन का इंटीग्रेशन किया, एक्स आया, कॉस का करोगे तो साइन, और फिर जो कॉन्स्टेंट आएगा उसका डिवाइड करते हैं, इसलिए ए ऊपर चला गया, टू एन वन पाई नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो से ए इज इक्वल टू वन। ओके, ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज, ए से ए पुट करो, फिर यहाँ पे ए पुट करोगे तो ए से ए कैंसिल, साइन टू एन वन पाई, पाई के साथ टू एन है तो ऑब्वियसली जीरो, फिर जीरो पुट किया तो जीरो, फिर यहाँ पे अगेन साइन की एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो, माइनस माइनस से वो प्लस हो जाएगा साइन। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर, ए इसमें चला गया और टू ऊपर चला गया, ये आ गया। अब ए की वैल्यू निकालोगे तो रूट टू बाई ए। तो आपके पास आपके आपके पास ये पूरा की पूरा आ गया। ठीक है, तो यहां से कैपिटल ए की जब आपके पास वैल्यू आ गई, तो अब इस कैपिटल ए की यहाँ पुट कर दो, पुट कीजिए, एक्स इक्वल्स टू रूट टू अपॉन ए साइन एन वन पाई एक्स अपॉन ए, तो ये आ गया एक्स। अब हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली क्योंकि थ्री डी में, तो थ्री डी में एक्स वाई जेड तीनों होंगे, तो वाई के लिए भी कितना आ जाएगा, रूट टू वाई, वाई की डायमेंशन कहाँ तक थी, बी तक, रूट टू वाई बी। ठीक है, और साइन वाई जीरो से एन टू पाई अपॉन ए की जगह बी और एक्स की जगह वाई। ठीक है, सिमिलरली जेड इक्वल टू रूट टू अपॉन जेड में कहाँ तक थी, सी तक, तो साइन एंड थ्री पाई बी की जगह सी और जेड। अब आपको पता है पूरा जो वेव फंक्शन था वो किस फॉर्म में था, देखिए पूरा वेव फंक्शन जो था वो इस फॉर्म में था। साई एक्स वाई जेड वो था आपका, एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, एंड जेड इज फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड। तो एक्स एक्स की यह वैल्यू आई है ये, तो ये हो जाएगा रूट टू वाई ए साइन एन वन पाई एक्स वाई ए। ठीक है, फिर रूट टू वाई ए साइन एन टू पाई
ए नहीं बी आएगा वाई की जगह, बी अपॉन बी एंड रूट टू अपॉन सी, तो ये जाएगा साइन एन थ्री पाई जेड अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए आगे का वेव फंक्शन कैसे होगा। आगे का वेव फंक्शन देखती हूँ, आगे का वेव फंक्शन देखिए, साई एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 अपॉन ए बी सी। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन एन वन पाई एक्स वाई ए, साइन एन टू पाई वाई अपॉन बी एंड साइन एन थ्री पाई जेड अपॉन सी। देखो जीवेश तुम्हारा कल का छूट गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बस इतना याद करना है, सभी को इतना याद करना है। देखिए मैंने आपको वन डी में जो आपका वेव फंक्शन निकल के आया था वो किस फॉर्म में था, देखिए वन डी में किस में था, रूट टू वाई ए साइन एन पाई एक्स वाई ए, ये था ना। तो हम थ्री डी में वर्क कर रहे हैं, तो थ्री डी में कैसे हो जाएगा, देखो टू का तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो एट, अगर तीनों की डायमेंशन अलग अलग है, यानी कि बॉक्स क्यूबॉइड है क्यूब नहीं है, तो क्यूबॉइड होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में बी एंड जेड डायरेक्शन में सी, तो यहाँ ए है ना, तो ए की जगह ए बी सी। ठीक है, फिर देखिए सेम आएगी साइन की टर्म में, एन वन पाई एक्स अपॉन ए साइन, एन टू पाई वाई अपॉन बी एंड साइन, एन थ्री पाई जेड अपॉन सी। ये याद करने का तरीका है, जब वन डी था तो हमने ऐसे लिख दिया, और अगर थ्री डी है तो ऐसे, और सेम अगर टू डी में होगा तो यहाँ पे फोर आ जाएगा या ए बी आएगा, सी नहीं आएगा, और ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको वेव फंक्शन याद करने का अगर वन डी में पता है तो वेव फंक्शन थ्री डी में आपको अपने आप याद हो जाना चाहिए। समझ में आया, तो वेव फंक्शन याद करने का तरीका ये, वन डी का याद कर लो, थ्री डी का अपने आप हो जाएगा। और ये मैंने ये कॉन्स्टेंट निकालना आपको सिखाई दिया है कि कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब आपके पास ये फंक्शन जो है ये वेव फंक्शन कहलाता है 3D बॉक्स का, तो अब वेव फंक्शन तो आ गया, लेकिन वेव फंक्शन के बाद में अब हमें क्या क्या निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अब हमें चाहिएगी एनर्जी, वेव फंक्शन तो हमने निकालना सीख लिया, अब हमें चाहिए क्या, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एनर्जी का देखो मैंने आपको 1D में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ME स्क्वायर, यही तो होता है। देखिए डायरेक्टली बता रही हूं मैं एनर्जी का फॉर्मूला 1D के लिए, एनर्जी का फॉर्मूला 1D के लिए कितना होता था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस सॉरी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, यही तो होता था। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसे हो जाएगा 3D में, बेटा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, एन एक्स स्क्वायर एन की जगह एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, वैसे ये आपकी में आता नहीं है 3D में एनर्जी, बट इस टाइम मैं आपको बता रही हूँ, अपॉन 2ME स्क्वायर, हेयर हेयर A इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ये तीनों सेम है, उसी कंडीशन में एनर्जी निकलती है 3D के अंदर, बस n स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ये अपनी में है नहीं, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, बाई चांस कभी पूछ ले या कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो 1D आ गया, 3D आ गया, ठीक है, ये ABC हुआ है। फिर मैंने आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी ये सब बताई थी, तो वो आपके 3D में नहीं है, आपका सिलेबस इतना ही है। ओके, तो देखिए चलिए ये तो आ गया, अब एक क्वेश्चन डालिए, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, गिव इन क्वेश्चन लिखिए, ये फॉर्मूला याद रख लेना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ME स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट गिवन क्या है आपको, देखिए
एच की वैल्यू दे रखी है 6.624 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है आपको 9.1 इंटू 10^-31 केजी, ओके। एम की वैल्यू आपको ये दे रखी है एंड ए की वैल्यू जो है वो है आपकी 10^-10 मीटर। देन फाइंड कीजिए, ये आपका 1D में है क्वेश्चन, फाइंड द EN। तो EN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। निकाल के बताइए क्या आंसर आता है इसका, फास्ट जल्दी से आंसर निकाल के बताइए, कुछ नहीं है, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होता है, जल्दी से करके बताइए। एन की वैल्यू नहीं दी है तो एन को एज इट इज रहने देना। मैंने क्या कहा आपको, n की वैल्यू नहीं दी है, n एज इट इज रहने देना। आंसर बताइए हर्षे जीवेश ऋतिक सागर, आंसर बताइए। किसी का आंसर आया हाँ ना तो जवाब दे दीजिए, आंसर नहीं भी आया है तो बता दीजिए मुझे। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक क्यों दिख रही है बेटा? नहीं मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल व्हाइट आ रही है स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी पे, आपके नेट में प्रॉब्लम है या फिर देखिए आपके कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, और किसी को भी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या? मैंने पूछा और किसी को भी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, पता नहीं गूंगे बन जाते हो। किसी को नहीं दिख रही है, आपको ही दिख रही है जीवेश, आप थोड़ा क्लियर करके देखो अपने फोन या लैपटॉप जिससे भी आप देख रहे हो। किसी का नहीं हुआ है क्वेश्चन, हद हो गई है। देखिए
एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एज इट इज, पाई की जगह 3.14 का होल स्क्वायर. एच क्रॉस है बट एच क्रॉस इक्वल्स टू कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई, तो इसकी जगह एच, एच की वैल्यू कितनी है इतनी, तो 6.62 इंटू 10^-34 का होल स्क्वायर. ओके अपॉन 2, एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10^-31, और ए की वैल्यू है 10^-10 का होल स्क्वायर. साथ में 2 पाई आया है तो 2 पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, अब निकाल लो सॉल्व कर लो, एन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा. अगर ग्राउंड स्टेट पूछे, सागर का आया है 7.56. सागर होप सो, हो सकता है, मेरे पास इनका आंसर्स नहीं है तो आप निकाल के देख लेना, बिल्कुल ठीक हो सकता है, मैं नहीं कहती गलत है. ठीक है चलिए फिर अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना. ओके सागर, जो आपका आया है ना उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके बताओ, तब मुझे पता चलेगा आपका सही है या नहीं. ठीक है चलिए ये हो गया. इसके बाद एक और क्वेश्चन है. देखिए h की वैल्यू नहीं रखी, कोई बात नहीं, अब दोबारा करके देखना. फोर क्वेश्चन, x1 equals to कितना है 0.56 एंगस्ट्रम, ठीक है, सॉरी एंगस्ट्रम नहीं, a 0.5 a. ओके एंड x2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.55 a. then find psi square, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें. तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फॉर्मूला पता है, p इक्वल्स टू साई स्क्वायर, क्योंकि ये x की फॉर्म में है तो dx. ओके इक्वल टू, अब आप निकाल लेना x1 से x2, x1 आपके पास है, x2 आपके पास है, बट आपके पास साई नहीं है. तो आपको पता है साई कितना होता है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए, √2 y a साइन n पाई x अपॉन a, तो n की जगह 1 रख लेना. ठीक है और फिर इसको सॉल्व करके देखना. ओके मैंने क्या कहा, फिर इसको सॉल्व करके देखना. ठीक है चलिए ये हो गया. अब देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि अगर आपका बॉक्स, अगर आपका पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में या एक क्यूबिक थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में, तो उस कंडीशन में वेव फंक्शन और एनर्जी क्या क्या होंगी. ठीक है अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक, वो है आपका पोटेंशियल स्टेप. स्टेप का मतलब क्या है, एक तरीके की सीढ़ी. ओके तो एक स्टेप के अंदर अगर एक पोटेंशियल स्टेप मतलब बॉक्स ना हो कि आपका पार्टिकल सीढ़ी टाइप की किसी चीज में है, ठीक है स्टेयर्स जो होती है उस टाइप की कोई चीज में है, तो उस कंडीशन में आपका वेव फंक्शन क्या होगा और आपकी एनर्जी क्या होगी, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे. तो पार्टिकल्स की कंडीशन पढ़ रहे हैं और आपको पता है पहली कंडीशन में भी हमने क्या किया था कि जब हमने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स लिया तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन से. फिर वहां पे क्या किया था, हमने पोटेंशियल वी की वैल्यूज रख दी थी और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व किया था. सिमिलरली अब हम यहाँ पोटेंशियल स्टेप में करेंगे, पोटेंशियल स्टेप को पढ़ेंगे पहले समझेंगे, उसके बाद वही श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करने के बाद वी की अलग अलग वैल्यूज जहां जो आती है वो रखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे. तो अब आपको मैं जितना भी पढ़ाऊंगी ना, जैसे वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल पढ़ा दिया, अब पोटेंशियल स्टेप आएगा, इसके बाद आई थिंक पोटेंशियल बैरियर टाइप का भी कुछ चीज आती है, तो उन सभी में आपको बस श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करना है और वी की अलग अलग वैल्यूज अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वैल्यूज लिखनी है, देन यू कैन फाइंड योर सॉल्यूशन. ठीक है तो देखिए आगे इसमें आगे करते हैं हम. आगे करने से पहले एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए. चलिए रिज्वाइन कीजिए.